गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अपने लोगा सीजन 2। आज जो हम लोग की गेस्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है जो मेरी दोस्त यूट्यूब पे बनी। मेरी वन ऑफ द रीजंस मैं यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी वाज बिकॉज ऑफ हर। उनके वीडियोस में देखी एंड देन आई वाज लाइक यू नो शुड आई ट्राई, मैं व्लॉगिंग ट्राई करूँ क्या, एंड दैट्स हाउ मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करी। मेरी इनिशियल एडवाइस जो देते थे इट वॉज हर। शी हैज़ ओवर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और हमारे साथ आज है सबा इब्राहिम फ्रॉम सबा का जहाँ। We have Sabha with us. नहीं सोचा था होगा। और हम लोग जब टीम अपने लोगों सीजन 2 की बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि यू नो वी शुड गेट सबा, एंड ऐसे हुआ सबा हैदराबादी आ गए एंड यू नो हम कनेक्ट हुए एंड वी आर एबल टू यू नो शूट। ओके सबा, मेरा इंस्पिरेशन व्लॉगिंग का लिटरली आप है। मैं लिटरली आपके व्लॉग्स देख के आई वाज लाइक यू नो मैं भी करती हूँ, अच्छा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल यू लुक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो हम आपको बताइए, आप कैसे स्टार्ट की आपकी व्लॉगिंग जर्नी, कैसे सोचा कि मैं व्लॉग करूंगी एंड एवरीथिंग? देखो अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इसमें अपने लोगों जो आपने स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट वाला फॉलो किया था। जैसे आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ, काफ़ी मज़ा आता है देख के, तो बहुत अच्छा था। और ये व्लॉगिंग में कैसे आना, ये तो मेरे चैनल का कंटेंट आपके में जा रहा है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपनी जर्नी अपने उसमें बताऊंगी, बट आज हम यहाँ पे हैं। तो व्लॉगिंग का ऐसा शुरू हुआ था कि लॉकडाउन का टाइम सबके साथ आया था, सबने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि सबकी जो लाइफ चल रही थी ना वो सब उस टाइम स्टॉप हो गई थी। अब सब कुछ अलग अलग आइडियाज, फ्री टाइम में ना कुछ करते रहते। तो मैं पहले जैसे जॉब तो करती थी, बट उससे पहले क्या होता है कि एक मतलब सोशल मीडिया का मुझे शौक था ही। मतलब जॉब भी करना है फिर भी अच्छी फोटोज में पोस्ट करनी है, कोई ट्रेंड चल रहा है तो रील बना देनी है, तो एडिटिंग वो सब आती थी। और फिर जब लॉकडाउन लगा तो वो चला कि बाहर से खाना ये सारी चीज़ें बंद हो गई, तो घर पे ही कुछ बनाना है। और मुझे काफ़ी लोग उससे पहले कहते भी रहते थे कि क्या बोलते हैं आप, मतलब यूट्यूब स्टार्ट करो। तो मैं उनसे ये कहती थी कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कैसे चैनल बनता है, क्या होता है, मुझे ABCD भी नहीं पता इसके बारे में। तो फिर जब फ्री होते हो ना तो आपको आइडियाज़ भी आते हैं। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो अब घर पर सब कोई कुछ नया नया कुकिंग कर रहा है तो मैं भी लड्डू बना लेती हूँ बेसन के, और उसको मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँगी और अपलोड कर दूंगी। और मेरा ऐसा है कि जो हूँ रियल शुरू से वो वैसा दिखाना है। तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो हम क्या करेंगे कि परफेक्ट दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। अब वो इतने बिगड़ गए, इतना अजीब हो गया, वो सब मैंने उसमें डाल दिया। अब लोगों को देख के इंटरेस्ट लगा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा ऐसा था हर जगह आपको परफेक्ट रेसिपी मिल रही है, ये मिल रहा है, लेकिन जिसका कुछ बिगड़ भी तो रहा है तो वो भी तो शौकर है, वो दिखाया तो वो लोगों को अच्छा लगा। तब से मुझे लगा चलो अच्छा ऐसे, और फिर भाई भाभी है ही तो ये तो आप अगर कोई एक सपोर्ट रहता है तो आपको ग्रो करने के लिए थोड़ा और इजी रहता है, इससे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर लेकिन लोगों को वो कंटेंट देख के मज़ा आया, जब मज़ा आया फिर घर से भी सपोर्ट मिला तो फिर मैंने कहा चलो अभी बनाना शुरू करते हैं, और ऐसा जर्नी स्टार्ट हो गया। 3 साल हो गए। अमेजिंग है। और यू नो अब जब मैं यूट्यूब करती हूँ तो मुझे भी पता है कि कितना टफ है मतलब करना, एंड सबा इतना ब्यूटीफुली करती है एंड माशाल्लाह लाइक आई मेट हर यस्टरडे फर्स्ट टाइम, और ऐसे लग रहा था कि हम सालों से एक दूसरे को पहचानते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का व्लॉग फॉलो करते हैं, लाइक उनके सारे फैमिली मेंबर्स आई फील लाइक मुझे ऑलरेडी पता है। तो मैं अभी उनको बोल रही थी रिजा मेरी फेवरेट है, सेम कल मिल के अच्छा रिजान यहाँ पे अच्छा ये क्योंकि पता है कि सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो वन ऑफ माय फर्स्ट यूट्यूबर फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया, और इनिशियली एडवाइस भी मुझे सभा से ही मैं लेती थी कि ये अच्छा है ना ऐसे करूँ ना एंड एवरीथिंग। सो या ठीक है, तो व्लॉगिंग से पहले ठीक है आप इंस्टाग्राम पे थी, इन्फ्लुएंसर वगैरह, उससे पहले आप कुछ काम करती थी और जॉब करती थी? अच्छा। मतलब जब हम मुंबई शिफ्ट हुए तो मैंने बताया भी है काफी बार कि मुंबई शिफ्ट हुए तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना, क्योंकि एक जगह आप 25 साल रह रहे हो भोपाल में, सडनली आप शिफ्ट हो रहे हो तो ब्लैंक हो। तो उस वक्त आगे पढ़ाई का कोई नहीं था क्योंकि मुंबई समझ ही नहीं आता था कहाँ से जाओ क्या करो, तो सोचा कि कुछ जॉब करती हूँ। अब वो खुद से मैंने अब पता भी नहीं है जॉब, और मुझे शुरू से था कि थोड़ा सा जैसे
असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब मुझे सेट पे रहना बहुत अच्छा लगता था, मतलब अट्रैक्ट करता है ना आपको कोई चीज, तो मैं सबको मैसेज करती थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, जैसे वो मुझे देख के बुला लेंगे कि प्लीज मुझे काम दो, मुझे फ्री में दे दो, मुझे आना है, लेकिन कोई इतना नहीं देखता था। फिर एक थी टीवी इंडस्ट्री की क्रिएटिव, उन्होंने देखा, उन्होंने सजेस्ट किया, तो मुझे क्रिएटिव या असिस्टेंट डायरेक्टर का तो काम नहीं मिला, क्योंकि विदाउट आपको एक्सपीरियंस कोई नहीं देता। तो उन्होंने मुझे, मैं कॉस्ट्यूम असिस्टेंट बन गई, मतलब जो भी देता सेट पे आने घुसने तो मिले। तो वो थोड़ा टफ टाइम था क्योंकि एकदम से सीरियल से ऐसे में 12 घंटे शूट, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, तो ये सब था। तो पहले कॉस्ट्यूम असिस्टेंट और उसके बाद क्रिएटिव, उसके बाद मैं सेकंड जॉब जो किया वो क्रिएटिव, तो वो भी था। फिर उसके बाद नहीं हो पाया कि बहुत ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि आप अपने खुद के सेट पे पहुंच गए इतना बड़ा, लाइक यू नो यू क्रिएटेड सच अ बिग ऑडियंस एंड एवरीथिंग, माशाल्लाह इट्स अमेजिंग। अच्छा, आई नो आपकी ये साल ही शादी हुई सनी भाई से, जिससे मैं यस्टरडे मिली, उनको भी लगता है कि उनको भी, मैं कल उनको बोल रही थी आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अब तो, मतलब यू नो इट्स अमेजिंग कि मैं उनको स्टार्टिंग में देखती थी इतना शर्माते थे, और मैं परसों में वीडियो देख रही हूँ, ये हाँ वेलकम टू द ब्लॉग बोल रहे हैं, वाओ। तो बताइए, हाउ डिफरेंट इज इट सिंगल लाइफ अब मैरिड लाइफ, कितना अलग है? सबसे पहले तो सनी के बारे में कहना चाहूंगी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सीख लिया कि असद की तरह कि इसका थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दो, वरना घूम के मुझ पे ही आना है, इसलिए बेचारा कैमरा ही उठा लेता है। और मैरिड लाइफ मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। अब भाई मैंने हमेशा कहा कि पार्टनर पर डिपेंड करता है, पार्टनर अगर आपका अच्छा है और आपका फ्रेंड बन के रहता है तो लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले ना इतना ट्रैवल नहीं किया लाइफ में, सिर्फ जो हमारा नानी का, जो आपने देखा होगा व्लॉग्स में, और भोपाल, उसके अलावा इंडिया में भी मैंने कोई सिटी नहीं देखी थी। और अब मैं इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ सनी के, मतलब उसमें ना मुझे एक फ्रेंड जैसा मिल गया। तो कोई भी प्लान बनाया तो उसके बाद मैंने लखनऊ, दिल्ली और बहुत सारी, और फिर ये हैदराबाद, ये सब सनी के साथ शादी होने के बाद ही पॉसिबल हो पाया। तो लाइफ बहुत, शादी होने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपका हस्बैंड और इन-लॉज अच्छे हैं तो लाइफ बहुत अच्छी है। But it's so amazing to find a friend, एक partner में। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेरा और असद का भी ऐसा है कि first वो मेरे best friend है, उसके बाद फिर husband है। वो मैं relate कर पाती हूँ आप लोगों के देख के। तो कल आप जब मिले भी थे, हमारी हम लोग जो reels वगैरह बनाते हैं ना, वही है, हम जो घर में करते हैं वही बस you know reels में convert करते हैं। तो वैसे ओके, तो कितना अलग है अब सभा की, आप कहीं भी जाते और यू नो मेरी उर्दू आपसे बहुत अलग है जो हैदराबादी है। जब से 3 दिन से आई हूँ सोच रही हूँ मेरे अंदर वो आ रही है, अडैप्ट कर लूं, और सनी तो बीच बीच में बोलते भी रहते हैं। हाँ, तो कैसे लगता है कि अब आप कहीं जाते हैं या कहीं तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और सब बोलते हैं ओ वाओ यू नो सभा है, सभा का यहाँ की सभा है, तो वो बताओ मुझे। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे ये जो हैदराबाद में कोई भी आके मेरे को बोलता है कि मैं आपका व्लॉग देख दूँ, द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग सिर्फ 2 लोगों के व्लॉग्स फॉलो करते हैं, आपके और सभा के, इतने लोग बोलते हैं मुझे। तो सबसे पहले तो सबको थैंक यू सो मच, और अच्छा ही लगता है, मतलब अगर आपको कोई पहचान रहा है तो अच्छा लगता है। और सभा तो लोग नाम मुझे लगता है भूल ही गए, सब सभा का जहाँ सभा का, उस वक्त ना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला था, सब अपने अपने नाम के आगे कुछ ऐसा लगाते थे, तो मैंने सोचा सबने वर्ल्ड या ऐसा कुछ लगाया, तो मैंने जहाँ लिख दिया, तो अब तो सब सभा के जहाँ से पहचानते हैं। और जब कोई मिलता है ना तो पहचानता है, और पहचानने के बाद जब आपको अप्रिशिएट करता है और ये बोलता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती है या स्ट्रेस कम हो जाता है आपकी वीडियोस देख के, और आपकी फैमिली एक हम सबको इंस्पायर करती है मिलके रहने के लिए, तो फिर वो बेस्ट फीलिंग है। हाँ जी, आई कैन टोटली इमेजिन एंड रिलेट, जो यू नो स्पेशली मेरे को सबसे ज्यादा काम हुआ था, मैं व्लॉग स्टार्ट करी थी और उसके 2 या 3 महीने के बाद मैं अमेरिका गई थी, और मैं जब अमेरिका गई थी लाइक छोटे छोटे सिटीज में ना 2-3 लोग ही सही बट आके बोलते थे हम आपका व्लॉग देखते हैं, तो इतनी खुशी होती थी कि कोई अमेरिका से मेरा व्लॉग देख रहा है, मुझे यकीन ही नहीं होता था, यू नो इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। ओके, तो द मोस्ट पॉपुलर पर्सन आपके व्लॉग में अम्मी। अम्मी इतने ज्यादा जेन्युइन और दिल से, और जो है बोल रहे थे, कभी कभी ऐसा लगता है अरे मम्मा भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरे खुद के मम्मा, यू नो। तो आपकी रिलेशनशिप अम्मी के बारे में हमें थोड़ी बताइए। व्लॉग्स देख के तो सबको पता कर उनके साथ मेरा कैसा रिलेशन है, एकदम बेस्ट फ्रेंड, मतलब लाइफ की जो पहली बेस्ट फ्रेंड होती है, मेरे तो इतने फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है डिजिटल ज्यादा है जैसे आप बाकी सब, तो इतने क्योंकि मुंबई शिफ्ट हुए थे फ्रेंड्स, तो अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो
पहले के टाइम की हैं जबकि वो स्कूल नहीं गई, कोई चीज़ नहीं है, बट वो इतनी ज़्यादा आज के ख्याल की हैं, मतलब इतना एम्पावर उन्होंने. अगर मैंने जॉब भी किया, कुछ भी किया, यूट्यूब भी किया, तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो अम्मी का है. तो अम्मी के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है, हम लोग हर तरह की बातें भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं. ऐसा है, वैसा नहीं है कि बहुत कि बस काम से काम या ऐसे कुछ नहीं. दोस्त हैं हम लोग घंटों. वो तो दिखता ही है जो ब्लॉग्स में दिखता है. आपके जो खालास भी है दो, वो भी माँ के जैसा ही प्यार करते हैं. तो बहुत हम लोग का क्लोज रिलेशन है. मतलब मेरे लिए लाइफ में सबसे पहले फैमिली और वो लोग आते हैं. हाँ जी, दैट्स अमेजिंग. मैं आपसे कल ये क्वेश्चन पहले भी पूछी कि मेरे को इतनी डिफिकल्टी होती है जब मैं ब्लॉग कर रही हूँ, मेरे को दिखता रहे कहीं मैं बहुत ओपन तो नहीं हो जा रही हूँ, यू नो वो टाइप का सवाल. आपको कैसे लगता है कि आप इतनी रॉ, इतनी जेन्युइन हर चीज आप व्लॉग में दिखाते हैं? इज इट टफ कि आपको एक मेंटल फ्रेम बनाना पड़ता है, या कैसे कैसे, हाउ आर यू सो ओपन एंड सो जेन्युइन अपने यू नो विद योर व्लॉग्स? वो ना स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप बनाते जाते हो, आपको वैसे व्यूअर्स आपको अप्रिशिएट करते जाते हैं और उनसे ना एक रिलेशन बनता जाता है. तो जैसे जैसे हम लोग बनाते गए, हमें दिखता गया कि सामने वाले वो चीज़ पसंद कर रहा है और रिलेट कर रहा है. अगर हम डेली व्लॉगर हैं या यूट्यूब पर कॉन्स्टेंट बनाते रहते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ हम अपना अच्छा अच्छा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर एक की लाइफ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. अब हमने अच्छा दिखा दिया, अब कुछ बुरा बनाने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है. लेकिन हम नेगेटिविटी के वजह से पॉजिटिव वालों को नहीं वो कर सकते. तो फिर मैंने कहा रियल रहते जो है वो दिखाते हैं, कुछ छुपाने की बात ही नहीं है. तो बस यही है. और उससे ना फैमिली से भी होता है, आपकी फैमिली भी अग्री करनी चाहिए. तो हम लोग आपस में कि मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, हाँ ठीक है, शेयर करो, क्योंकि वो भी फैमिली है यूट्यूब, तो इसलिए सब कुछ शेयर कर. बट यू नो मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं ना, कितना ईजी है व्लॉगिंग, कैमरा उठाओ व्लॉग कर लो, कितना टफ है जरा एक बार बता दो, क्योंकि मैं बता बता के थक गई. मैं बोली जो इतना अच्छा लगता है ना, कभी एक रूम में रहो जहाँ पर 10 लोग हैं और उनके सामने जब कैमरा उठाना पड़ता है, कितना ऑकवर्ड लगता है. यू नो मुझे तो अभी भी लगता है, कभी मैं ना अभी आज जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं मेरे घर के ही नीचे उतरी, जो मुझे यहाँ पर लेके आ रहा था, जो मुझे ड्राइवर पिकअप करने आया था, वही सामने था. तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि मैं ब्लॉग कैसे कर रही हूँ, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए. ब्लॉगिंग फ्रेंड्स इजी नहीं है. मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग ईजी है, ब्लॉगिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है. मतलब आपको बहुत सारा अपने अंदर को ना बहुत कैसे बोलते हिम्मत लानी पड़ती है. और जैसे हम लोग इतना इंसान इतना ओपन नहीं है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है. और हमारे घर वालों से पूछो कितना टफ है, क्योंकि वो हम लोग को देखते इतने इतने घंटे एडिट करते, फिर पब्लिक प्लेस में क्या, हमारी ऑडियंस को सिर्फ यही नहीं देखना, उसको थोड़ा चेंज भी देखना. अब अगर हम कोई शॉपिंग मॉल पर गए, वहाँ कैमरा उठा रहे हैं, तो हमें एक डर तो ये कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, स्टोर वाला कहेगा नो नो नो. उसके बाद फिर आपको तेज बोलना पड़ता है, वरना आवाज़ नहीं आ रही है तो आसपास वाले देखते हैं क्या हो गया. तो बहुत मुश्किल है. तो शूटिंग भी मुश्किल है और उसके बाद एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके बाद सबका फीडबैक लेना भी मुश्किल है. तो ब्लॉगिंग ईजी नहीं है. बट अब आप ये जो बोल रहे हैं फीडबैक का, उसके बारे में भी बोलो कि कभी जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वाओ लगता है आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, ना आपके साथ होता है कि अगर 10 टाइम आ गए नेगेटिव कमेंट, 9 वक्त तो मैं ठीक रहती हूँ, ठीक है मतलब, बट एक टाइम ऐसे होता है वो सडनली दिल पे लग के बाद एक अलग ही ऐसे लगता है यार ये सही बोल रहे हैं क्या, वो टाइप आपको में, इतना बोल क्या आप नेगेटिव कमेंट से डील कैसे करते हैं सब आप? नेगेटिव कमेंट से डील स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है. जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करोगे किसी भी चीज़ में, तो वहाँ आपको नेगेटिव लोग या ऑफिस में होता होगा, यूट्यूब पर भी ऐसे ही होता है. तो उसके बाद जब होने लगा ना, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हिट करने लगा, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ और हमें लग रहा है हम तो अपना सब कुछ सच्चा सच्चा दिखा रहे, फिर भी हमें इंसान झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है. और पता है फीडबैक दोनों तरह से आता है. अब ये बात मैंने हमेशा सुनी थी और देखी भी और समझी भी है कि जब आप अपनी लाइफ को ओपनली रख रहे हो तो लोग तो आपको जज करेंगे, ठीक है, लेकिन तरीका होता है. एक इंसान जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, नॉनस्टिक पैन में स्टील का चम्मच यूज़ कर लिया, तो दो तरह के लोग हैं. एक आपसे ये बोलेंगे कि अरे सबा ये आपको नहीं पता है, इसमें वुडन
चम्मच यूज करते हैं और जो दूसरा है वो आपको बोलेगा गवार कह के, तो फर्क होता है। तो जो जेलस होते हैं ना वो आपको हर चीज में ही वो करेंगे और अच्छे भी, मतलब जो हमको समझाते हैं वो हम खुशी खुशी लेते हैं और एक टाइम के बाद हम समझ जाते हैं कि नहीं ये तो हमसे जान बूझ के हमारे पीछे ही पड़ा है, तो हम उसको कर लेते हैं। और फिर उसमें हस्बैंड का बहुत रोल होता है कि अगर हम जब भी नेगेटिव फील करते हैं तो फिर वो समझाते हैं, सही समझाते हैं कि तुम लाइफ में आगे बढ़ रही हो, बोलने दो जिसको जो बोलना है, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई नो, बट मैं तो कमेंट्स पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि पता है कि अच्छे कमेंट्स आते हैं बट उसको रिफाइन नहीं कर सकते। कभी ऐसे नेगेटिव कमेंट जब यू नो सडनली लगता है, इट फील्स वेरी, बहुत दुख होता है एट दैट पॉइंट कि हमने इतना जेन्युइनली डाला। और यूट्यूब व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है, यू नो हम वीडियोस में शायद ऐसे वीडियोस में कुछ प्रिटेंड कर ले, बट व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है कि अपनी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वही दिखती है। आप कितना प्रिटेंड करना ट्राई करो, कितना कुछ करना ट्राई करो, बट इंसान की असलियत ही बाहर आती है, क्योंकि हम कितना प्रिटेंड करेंगे, मतलब राइट। तो वैसे लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि आप कमेंट पढ़ो, क्योंकि अब कुछ खराब लोगों के पीछे ना अच्छे लोग के वही है कि आता है, आप पढ़ो और मतलब मुझे दुनिया समझाता है और मैं आपको समझा रही हूं, लेकिन बस इससे हम निकल चुके हैं। तो मुझे ये कि आप पढ़ो और एक कान सुनो, गंदे वालों को निकाल दो। वो हो जाता है 9 out of 10 times, बट एक टाइम कभी कभी हिट कर जाता है। फिर असद की है वो दिन बारी की, असद समझाओ आप मुझे, टफ हो जाता है मतलब स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन की, यू नो इतना यू नो घर में ही कॉन्टेंट बनाना, तो मुझे बोलो कि आप न्यू आइडियाज कैसे कम अप करती है। मुझे पता है लॉकडाउन में आप लोग जैसे डला जाती थी, वो बहुत क्लोजली फॉलो करती थी, वैसे कुछ आप लोग सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे तो शायद ऑडियंस को भी चेंज हो जाएगा? लॉकडाउन के टाइम पे तो ये था कि मोस्टली कुकिंग का बहुत चल रहा था, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम घर पे कहीं समोसा बनाया, वड़ा पाव बनाया, तो सब एक दूसरे को देख के ना बना रहे थे, तो वो टाइम तो वो कंटेंट था। उसके बाद फिर जैसे जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, जो हम कर रहे होते हैं ना, हम वो दिखाते रहते हैं। ऐसा अगर हमें लगता है कि हमें कहीं चेंज के लिए जाना है तो हम जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कंटेंट के लिए जाना ही जरूरी है। लोगों को आपका डेली घर का चीजें भी देखना पसंद है। हाँ, तो ये क्रिएटर्स के लिए है कि व्लॉगिंग के लिए जियो मत, जियो और व्लॉगिंग करते रहो, लाइक यू नो व्लॉगिंग आप जो लाइफ जी रहे हैं वो करो, लाइफ अपनी व्लॉगिंग के लिए प्लान मत करो। मतलब जैसे ये कि हमें इधर आना था तो हम अपने मर्जी से, अब हम यहाँ नहीं आ रहे होते तो घर को दिखा रहे होते। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे बताओ, आप हैदराबाद फर्स्ट टाइम आए, कैसे लगा आपको हैदराबाद, कैसा लग रहा है? ज्यादा अच्छा। अच्छा सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हैदराबाद को अगर, मतलब मैंने कल भी अपने ब्लॉग में ये बोला कि हैदराबाद अपने आप में बहुत फेमस सिटी है, काफी लोग यहाँ से सब इंस्पायरिंग है, लेकिन मैंने हैदराबाद को आपके ब्लॉग्स के थ्रू जाना है, आपके ब्लॉग्स के थ्रू जाना, आपकी फैमिली के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले तो ये था कि मतलब हैदराबाद अगर सुनेंगे तो आप लोग की फैमिली, आप लोग दिमाग में, एंड आई एम सो ग्लैड जैसे ही वो लैंड करे, जैसे ही हैदराबाद पहुंचा मुझे मैसेज आ गया था, मैंने सोचा सभा का सडन मैसेज है, सब ठीक है, लाइक मैं हैदराबाद में, आई एम लाइक ओ वाओ दैट्स अमेजिंग। मुझे लगा कि दुबई में ना हुआ ना, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, ऐसा नहीं मैं यहां से चली जाऊं ये सोच के कि अनम यहां नहीं है तो मिलना तो बनता है। और सो ग्लैड आपने मैसेज किया। और हैदराबाद बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्यार मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ का खाना तो मतलब मैं खा के अगर अभी आपको और ज्यादा मेरा वजन बढ़ा दिखेगा तो उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत अमेजिंग फूड है यहाँ का, बहुत अच्छा। और आज मैं आपको मेरे घर लेके जा रही हूँ, अच्छा खिलाने वाली हूँ खट्टी दाल और तलावा गोश्त, जो आपको कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, वो टिपिकल यू हैदराबादी घर का खाना रहता वही है वो। तो हाँ, खट्टी दाल बिरयानी आते साथ खाया, तो 3 दिन से बिरयानी खा रहे हैं और काफी चीजें एक्सप्लोर करी। वेलकम टू हैदराबाद। हैदराबाद में बिरयानी आप नाश्ते से लेके डिनर तक खा सकते हैं। हमारे पास तो ऐसे होता कि रात में अगर बिरयानी बन गई तो वो वैसे ही फ्रिज में जाती है, सुबह वैसे ही गर्म होके नाश्ते में बिरयानी। तो ओके सभा, ये लास्ट सेगमेंट है, अबाउट रैपिड फायर है, क्विक, बहुत इजी, बहुत सिंपल, तो लेट्स गो रैपिड फायर। ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है आपके सारे आंसर्स मुझे मालूम, जैसे फर्स्ट है टी या कॉफी, मुझे पता है चाय। चलो सो लेट्स स्टार्ट। टी और कॉफी? टी। ओके, फेवरेट ऑल टाइम मूवी? फेवरेट ऑल टाइम मूवी तो नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा उसमें कॉमेडी भी होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कॉमेडी बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉमेडी। और अभी लास्ट टाइम जो मैंने कोई फिल्म देखी है रिसेंट, तो वो कौन सी, रॉकी और रानी अच्छी लगी मुझे भी बहुत, उसमें सब कुछ था, पूरा बहुत अच्छा था। अच्छा, फेवरेट एक्टर?
शाहरुख मेरा भी कैट्स और डॉग्स कैट्स तो मैंने कभी ऐसे आसपास देखी नहीं है तो हमारा डॉग था कडल जिसे सब जानते होंगे तो डॉग्स ओके अर्ली बर्ड और नाइट आउल इसके लिए तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती ओके आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन ऐसे कुछ ज्यादा मैं कहीं गई नहीं हूँ बट जहाँ जो आपका सबसे ज्यादा मेमोरीज है आपकी मेरा मौधा जहाँ पे मतलब जहाँ से मेरा नेटिव प्लेस जो है अगर आपके पास एक सुपर पावर होता वो आप क्या चाहती कि आपका होता सुपर पावर एक होता है तो बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले तो मतलब मैं बहुत ऐसा लगेगा लोग सब यही बोलते हैं बट अगर जैसे होता है ना कोई लोग बहुत गरीब लोग जो बीमार हैं उनका सबसे पहले जो मैंने बहुत सारे ऐसे आसपास लोगों को देखा है जिनको कैंसर है और ये सब है तो वो नहीं इलाज करा पाते और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लाना चाहिए कि इलाज जो लोग कर सकते हैं उनका हो जाए किसी की जान अगर किसी की जान बचा सकती वही सुपर पावर है बाकी सब लाइफ में इंसान झेल लेता है हो जाता है बट किसी की फैमिली से अगर कोई जाता है तो उसे रोक सकती काश अमेजिंग ओके माउंटेन या बीच माउंटेन कश्मीर जाने के बाद माउंटेन अच्छा सर्दी या गर्मी लाइक मुझे जैसे गर्मी या बहुत सर्दी या बहुत गर्मी आई वुड गो फॉर बहुत गर्मी बहुत सर्दी मुझे भी यही ज्यादा सर्दी होगी तो फिर अजीब लगने लगेगा बर्दाश्त नहीं होगा ज्यादा गर्मी में भी प्रॉब्लम है बट कंपेयर करा जाए तो विंटर्स थोड़ा ज्यादा ठीक है फेवरेट कुजीन कुजी खाने में तो मुझे सब कुछ पसंद है फेवरेट कुजीन एकदम देसी इंडियन फूड अच्छा ओके मुझे बोलो कि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया जहाँ पर आपको जाना है जो मेरा फर्स्ट था जो मेरा हमेशा से सपना था मतलब वो हम लोग उमरा पे गए थे वो तो हो चुका है सेकंड अगर आउट ऑफ इंडिया जाना है तो दुबई जहाँ हम बहुत जाती रहती है तो आप जब दुबई भी आएंगे दुबई मेरा सेकंड होम है तो आपको दुबई भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ओके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है तो यूट्यूब इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा है ये दो के अलावा भी काफ़ी सारी और चीज़ें आती हैं मैं उस पर नहीं यूज़ कर पाती ना इतना टाइम है बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों अपने आप में बहुत आजकल कैसे स्कोप है उसमें इंसान के लिए और एंटरटेनमेंट पावर ऑफ सोशल मीडिया ओके पिज्जाज या बर्गर पिज्जा आपका फेवरेट गाना राइट नाउ गाना सनी कौन सा फेवरेट गाना है मुझे ना थोड़े से अभी के भी गाने पसंद हैं अगर मुझे एक गाना तो नहीं है लेकिन अगर पूछा जाए ना तो मैं बचपन से पापा को मतलब म्यूज़िक का बहुत शौक था तो हम लोग जब बड़े हुए हैं तो रफ़ी साहब और लता दी के गाने सुनते हैं तो मुझे अगर पुराने कोई चलाएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील अच्छा ओके दैट्स नाइस मतलब मैंने वही कैसे किसी कहा पहले ज़माने में पैदा होना चाहिए मैं आज के टाइम में कैसे आ गई नहीं नहीं आपको आज के टाइम पर आना था और आपको यूट्यूबर बनना ही था इसलिए आप यहाँ पे ओके मेरे को बोला फेवरेट हॉबी हॉबी फेवरेट अभी पता है यूट्यूब आने के बाद से कोई चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता था सब मेरे माइंड से वैनिश हो गए अभी यही है वीडियो बनाओ एडिट करो वीडियो बनाओ एडिट करो बट हॉबी देखो जाए मुझे पहले ड्राइंग और ये सब बहुत पसंद था बट अभी इतना नहीं होता ठीक है भैया डन विद रैपिड फायर बट मुझे अभी मैंने रैपिड फायर में बहुत लंबे लंबे आंसर नो प्रॉब्लम हम आपको जानना चाह रहे हैं आपकी स्टोरी जानना चाह रहे हैं अमेजिंग बट मैं ये क्वेश्चन मुझे अभी आया मैंने पहले क्यों नहीं सोचा मुझे पता नहीं बट आप लोग जो तरीके से बर्थडेज और एनिवर्सरीज घर में लाइक मनाते हैं इतना लाइक इट इज सो नाइस जो तरीके से खाना पकता है जो तरीके से यू नो सब होता है वो इतना स्वीट प्रोसेस है मुझे उसके बारे में कुछ बताओ कि आप लोग यूट्यूब करने से पहले भी ये होता था या यू नो कैसे है यूट्यूब हाँ यूट्यूब करने से पहले भी हम लोग का ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल मतलब भाई भाभी की भी अगर आप लाइव देखें तो बहुत क्लोज फैमिली जैसा है फ्रेंड्स हैं बट हम लोग अपना जितना कोई सेलिब्रेशन है वो मोस्टली चाहते हैं कि फैमिली के साथ हो तो हमारा ऐसे स्टार्टिंग में भी था घर पर कर लिया या फिर कोई ऐसे रेस्टोरेंट जाके खा के आ गए यूट्यूब के बाद घर पे जब और अच्छा लगने लगा तो मतलब हमारा ये है कि फैमिली के साथ हो अगर हम कोई जगह पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे फैमिली हो और अगर घर पे भी कर रहे हैं तो फैमिली वो इम्पोर्टेंट है वो पहले होना चाहिए बहुत बहुत स्वीट है प्लीज गिव माय लव आपकी पूरी फैमिली को आई जेन्युइनली अडोर देम और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गो यू नो इतने एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोग को एक एडवाइस अपने चैनल के लिए
मैं भी इस मुकाम पे तो नहीं पहुंची कि मैं एडवाइस दूं, लेकिन अपने लेवल पे जितना मैंने सीखा है, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ, रियल रहो, ट्रेंड को फॉलो इतना करने की मत कोशिश करो। अगर आप कर सकते हो इजीली तो ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो कि अरे ये ट्रेंड में चल रहा है तो मुझे ये करना ही करना है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप जो हो ना आप वैसे बनाओ, क्या पता आपका एक अलग क्वालिटी ट्रेंड में आ जाए, तो किसी को फॉलो नहीं करो। और दूसरी बात, यूट्यूब पर कहना चाहूँगी कि मतलब नेगेटिव आएगा ही, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको नहीं सोचना है, आपको अपना काम करते जाना है, वीडियोस डालते जाना है, थोड़ा बहुत आप क्वालिटी अगर स्टार्टिंग, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में आप, ऐसा नहीं कि आप फिर अब सोनी का बड़ा सा कैमरा खरीद फ़ोन से बनाओ, बट कोशिश करो जहाँ अच्छी लाइट आ रही है, थोड़ा ऐसा हो रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रो करोगे तो चीज़ें लेते जाओ, बट क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखो। Thank you so much, Sabha. Thank you for taking the time out and coming. And inshallah, see you really soon. Thank you so much. Thank you so much for watching this episode of Apne Loga. We'll be back with another episode next week. Thank you to Divit Photography for shooting this for us, and our venue partners, White Mango.